अखंड सौभाग्य की कामना और परिवार की दशा सुधारने की इच्छा लिए महिलाओं ने रविवार को दशा माता का व्रत रखकर पूजन किया। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के छांव में करना शुभ होता है। इस दिन पीपल के पेड़ को चारों तरफ से पूजा का धागा भी बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा से भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन हो जाती है। वहीं दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार भोजन या फलाहार कर सकती हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। महिलाओं ने पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नव दमयंती की कथा सुनी। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांधा व घर आकर द्वार पर हल्दी कुमकुम के छापे लगाए। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज दशा माता है, मतलब जेठ माह की दशा माता है। दशा के दिन दशा माता का उपवास करते हैं, उनकी दशा बदलने के लिए, जैसे सुख समृद्धि जो भी वो उसके लिए, और पूजा पाठ में जो भी कंकू मेहंदी जो भी अपन से गले नरियल वगैरह सब लेके आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसकी तैयारी कैसे की जाती है, क्या होता है इसकी विधि विधान से? विधि विधान सुबह उठ के नहा के साफ सफाई, घर की साफ सफाई करते हैं और नहा धो के जो सामग्री पूजा की इकट्ठी करते हैं, या तो एक दिन पहला कर लेते हैं या फिर उसी दिन करते हैं और फिर पूजा करने आ जाते हैं। सारी होके पूजा करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।